गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास ट्वेल्थ की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना लेसन चल रहा था सातवां, जिसका नाम था रबी की फसलों के प्रमुख रोग, ठीक है, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप, जिसमें अपन ने देखे अब तक छः टोटल पढ़ चुके हैं रोगों के बारे में। पहला रोग था गेहूं का काला या स्तंभ रोली रोग, ठीक है। दूसरा रोग था गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग। तीसरा था हमारा गेहूं का ही पीली रोग। और चौथा फिर गेहूं का अनावृत कण रोग या छिद्राकण, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था, देखिए जो का आवृत कण रोग और सरसों का सफ़ेद रोली रोग के बारे में अपन ने चर्चा की थी कल अपन ने। आज अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करते हैं और आखिरी के जो तीन अपने बचे हैं इस अध्याय में रोग, उनकी चर्चा करते हैं। बैंगन का लघुपर्ण रोग, देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा बैंगन का है और कौन सा रोग है, लघुपर्ण रोग है, लिटिल लीफ ऑफ प्रिंचर, लघु यानी छोटे पर्ण यानी पतिया रोग, पर्ण पतिया छोटी हो जाती है, इस रोग का लक्षण यही होगा। मैं देखिए बैंगन का लघुपर्ण रोग भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश व अन्य पड़ोसी देशों में पाया जाता है। तो बैंगन का लघुपर्ण रोग है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश और अन्य जो आसपास के हम भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम यह रोग देखिए 1938 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में देखा गया। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, छोटा सा, कि भारत में सबसे पहले बैंगन का लघुपर्ण या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग कहाँ देखा गया था, तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में देखा गया था। कब देखा गया था, 1938 में, ठीक है। भारत के अधिकांश राज्यों में देखिए बैंगन की लाभदायक खेती के लिए यह रोग एक गंभीर चुनौती है। भारत का जो अधिकांश राज्य है वहाँ पर जहाँ पर बैंगन की खेती होती है और लाभ कमाते हैं, उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वहाँ ये रोग एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है, क्योंकि जब फसल के शैशव काल में ये रोग प्रकट होता है तो पुष्प और फल नहीं बनते। जब फसल का शैशव काल होता है यानी जब नवजात अपन नवोद्भिद जो होता है पौधा जो अभी उगा ही था, बुआई के बाद उसके अंकुरण हुए ही थे बीजों के, ठीक, तब ये रोग होता है ना, जब ये रोग शैशव काल में उनके बैंगन के शैशव काल में हो जाता है तो उसके बाद तो ना तो उस पर पुष्प लगते हैं ना फल लगते, बिल्कुल ही नहीं बनते, बनते ही नहीं है तो फसल क्या होगी, ठीक है। तथा फसल के फल उत्पादन में 99% तक हानि हो जाती है, ऑलमोस्ट मान लो कि बस पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, वहाँ से एक बैंगन का एक फल तक नहीं मिलता है टंग का। देखिए संक्रमित पौधों के फलों के बीज अंकुरण की क्षमता खो देते हैं, जो संक्रमित पौधों के फलों के जो बीज होते हैं वो अंकुरण की क्षमता खो देते हैं, ठीक है। जो पौधे संक्रमित हो गए उनके बीजों से अगर अपन नई फसल उगाने की कोशिश करें तो वो उगेगी नहीं, क्योंकि उनके बीजों में बिल्कुल अंकुरण की क्षमता ही नहीं होती है कि वो नए पौधे को जन्म दे सके, नए पौधे को उगा सके, ठीक है, तो बिल्कुल ये क्षमता ही नहीं होती है। लक्षण देखिए, इस रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा, इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है पौधों की पत्तियों का आकार में छोटा रह जाना, पत्तियों का आकार में क्या रह जाना, छोटा हो जाना, ये इस रोग का प्रमुख लक्षण है, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती। मैंने आपसे बोला नाम से ही पता चल रहा है कि लघुपर्ण रोग, मतलब लघु यानी छोटी, पर्ण यानी पत्तियां छोटी रह जाती है। क्यों रह जाती है, क्योंकि इस रोग में पर्ण पटल बहुत छोटा हो जाता है, पर्ण पटल जो होता है जो इसको फैलाने का कार्य करता है वो छोटा हो जाता है, तथा पर्णवंत भी आकार में इतने छोटे रह जाते हैं कि पत्तियां तने से चिपकी दिखाई देती हैं। ये तना है, ठीक है, इसका ये डंठल है और इसके आगे ये पत्ती होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये डंठल इतना छोटा रह जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे डंठल और फिर ये पत्ती ऐसे छोटी सी, ठीक है, तो ये बिल्कुल हमें दिखता ही नहीं है कि लगता ही नहीं है कि बीच में कोई पर्णव्रंत भी है, ठीक है, पर्णव्रंत व्रत भी है, ऐसा लगता है कि बस पत्तियाँ डायरेक्ट कहाँ से निकली है, तने से ही निकली है, ठीक है, चिपकी हुई दिखाई देती हैं पत्तियाँ तने से। छोटी पत्तियाँ जो होती है वो सक्रिय हो जाती हैं, चिकनी
मृदु नरम, एकदम नरम दिखाई देती है और पीले रंग की होती हैं। जो छोटी पत्तियाँ होती हैं वो पीले रंग की होती हैं, संकरी होती हैं, छोटी होती हैं, चिकनी होती हैं और मृदु नरम होती हैं। नई निकलने वाली पत्तियों का आकार और भी छोटा रह जाता है, ठीक है। जो नई निकलती हैं पत्तियाँ वो तो उससे पहले वाली पत्तियों से भी छोटी होती है आकार में, ठीक है। तने की पर्व संध्या भी छोटी रह जाती है, जो तने की पर्व संध्या होती है वो भी बिल्कुल छोटी रह जाती है, तथा इनके कक्षीय कलिकाएं उद्दीप्त होकर छोटी छोटी शाखाओं के रूप में वृद्धि करती हैं। बिल्कुल शाखाएं भी उनकी छोटी होती है, छोटी शाखाएं, छोटी पत्तियां, सब कुछ छोटा, ठीक है। आगे देखिए अपन इस चीज, इन पर छोटे पर्णव्रत वाली संकीर्ण पत्तियां उत्पन्न होती है और पूरा पौधा स्तंभित या झाड़ी नुमा दिखाई दे जाता है, ठीक है। एकदम एक झाड़ी की तरह बिल्कुल छोटा दिखाई देने लग जाता है। जो बैंगन का पौधा होता है तो वो बड़ा वृक्ष होता है, वृक्ष और झाड़ी के बीच का होता है, ठीक है। लेकिन जब ये रोग उसमें हो जाता है तो हर चीज़ फल छोटे, पत्तियाँ छोटी, तना छोटा, कलिकाएँ छोटी, हर चीज़ छोटी रह जाती है, जिससे क्या होता है पौधा बिल्कुल झाड़ी नुमा एकदम हमारे घुटनों के तरह जितना ही दिखाई देने लग जाता है। प्राय देखिए संक्रमित पौधों पर पुष्प नहीं बनते, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जो पौधे संक्रमित हो जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल पुष्प बनते ही नहीं, फूल बनते ही नहीं, और यदि फिर भी बन जाए संक्रमित पौधे पर, यदि बनते भी हैं तो वो हरे रह जाते हैं, हरे रह जाते हैं, फल प्राय नहीं बनते हैं, ठीक है। फल भी नहीं बनते हैं ज़्यादातर, और अगर बनते भी हैं तो आकार में छोटे और कठोर होते हैं, ठीक है, पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए रोगजनक कौन सा है इसका, इसका रोगजनक का नाम देखिए फाइटोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा है। ये अपन ने विभिन्न प्रकार के रोग कारक पादप रोग विज्ञान में अपन ने पढ़ा था किन किन से जीवाणु विषाणु, और एक लास्ट चौथे या पांचवें नंबर पर फाइटोप्लाज्मा आया था, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, ठीक है। देखिए बैंगन के लघुपर्ण रोग को 1968 से पूर्व एक विषाणु जनित रोग माना जाता था, ठीक है। 1968 तक भारत में कब दिखा, 1938 में, उसके 30 साल बाद तक तो इसको एक विषाणु जनित रोग ही माना जाता था कि यह विषाणु से फैलता है, परंतु 1969 में ऐसे तथ्य, ऐसे कुछ सबूत मिले जिनके तहत माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव द्वारा जनित माना जाने लगा, यानी माइकोप्लाज्मा जैसा कोई जीव है, ठीक है, उसके जैसा कोई जीव है जिसके कारण क्या होता है माइकोप्लाज्मा जैसा रोग है, जीव है जिसके कारण बैंगन का यह रोग होता है, ठीक है। वर्ष 1994 में इसका नाम पदक बदलकर, तब उसका 1969 में इसका नाम कैसा क्या रखा गया था, माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव द्वारा फैलता है, ठीक है। 1994 में इसका नाम बदलकर फिर फाइटोप्लाज्मा रख दिया गया, 1994 में इसका नाम बदलकर फाइटोप्लाज्मा कर दिया गया है, ये आप अंडरलाइन करें अपने बुक में अगर है तो, नहीं तो नोट करें आप अच्छे से इसको, एक नंबर का क्वेश्चन के फाइकोप्लाज्मा को नाम कब दिया गया, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि फाइकोप्लाज्मा को पहले क्या कहते थे, 1994 से पहले क्या कहते थे, माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव कहते थे। देखिए फाइटोप्लाज्मा अंडाकार होता है, अंडे के आकार का होता है, 200 से 800 नैनोमीटर व्यास की संरचना होती है जिसमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिसमें दृढ़ कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कठोर कोशिका भित्ति नहीं होती उसमें, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव देह के जड़ों, शाखाओं, तनों और पर्णव्रत के दारु उत्तकों में पाया जाता है, तो जो दारु उत्तक होते हैं पोसवा, ठीक है, यानी जो जड़ों वाले जाइलम उत्तक होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। वह कीट कौन सा है इसका, देखो हिसीमोनास फाइसाइटिस के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है, इसको इम्पोर्टेंट करना आप लोग, ठीक है। बैंगन का लघुपर्ण का वाहक कीट कौन सा है, कौन से कीट के द्वारा फैलता है, तो हिसोमोनास फाइसाइटिस के द्वारा फैलता है। ये रोग कृत्रिम अंतर्वेशन द्वारा भी फैलता है, कृत्रिम द्वारा इसको, इस रोग के रोगजनक फाइटोप्लाज्मा को अगर अपन बैंगन में डाल दें कृत्रिम रूप से, इंजेक्शन के द्वारा या कैसे भी, तो भी ये रोग फैलता है। ये जीव देह के टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो टेट्रासाइक्लिन एक दवाई होती है उसके प्रति ये संवेदनशील होते हैं। इस रोग का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जब ये रोग हो जाए तो कैसे इस रोग का अपन प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। देखिए संक्रमित रोगी पौधे को तुरंत उखाड़ कर जला देना चाहिए, ये तो एक सस्य प्रबंधन, सस्य प्रबंधन खेती प्रबंधन में ये दो तीन फिक्स हैं जो आगे आने वाले हैं। देखिए संक्रमित रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए, देखते ही उखाड़ो और चला दो, नष्ट कर दो बिल्कुल ही, ठीक है।
खेत तथा खेत के आसपास के खरपतवारों को भी नष्ट कर देना चाहिए। जो भी खेत है, खेत के आसपास जो भी खरपतवार, छोटे छोटे अनावश्यक जो पौधे वो क्या गए हैं, उनको भी क्या कर दो, बिल्कुल नष्ट कर दो। जैविक प्रबंधन देखिए, ठीक है, जैविक प्रबंधन में प्रतिरोधी किस्में कौन सी है, बैंगन की ऐसी कौन सी किस्में है जिसमें इस लघु पर्ण रोग से लड़ने की क्षमता होती है। तो देखिए, पूसा पर्पल, क्लस्टर, अर्कासील, मंजरी गोटा, बनारस जाइंट, ब्लैक ब्यूटी, ब्रिंजल राउंड मध्यवर्ती प्रतिरोधी है, ठीक है, ये प्रतिरोधी किस्में हैं, ठीक है। इनके अंदर बैंगन का लघुपन रोग से लड़ने की क्षमता होती है, अर्थात वो फाइटोप्लाज्मा जो रोगजनक है इनका, उसको ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, उसके प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं। आगे देखिए और दे रखा है BB7, BWR12, पंत ऋतुराज, H8 इस रोग की प्रतिरोधी किस्म है जिन्हें उगाकर रोग से बचा जा सकता है। कुछ एक रोग प्रतिरोधी ऐसी किस्म है जो जिन्हें उगाकर अपन क्या कर सकते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले इन फाइटोप्लाज्मा को नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक रोग प्रबंधन क्या होता है, देखिए रासायनिक रोग प्रबंधन की अपन चर्चा करें कि दवाइयों का कौन सा उपयोग कर सकते हैं, कौन से दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो रोगवाहक कीटों को नियंत्रित करने के लिए, हम जो रोगवाहक कीट होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए मिथाइल डेमेटोन कुछ एक मेलाथियान को नियंत्रित छिड़काव करना चाहिए, अपन को इनका छिड़काव करना चाहिए। मैंने कहा आपको, बताया कि दवाइयाँ निश्चित है, जैसे एक मिथाइल डेमेटोन छिड़काव के लिए, रासायनिक प्रबंधन के लिए मेलाथियान, ठीक है। इसके अलावा देखिए अपन को ऑक्सीकार्बोक्सीन, ठीक है, इनके अलावा ये तीन दवाइयाँ जो बिल्कुल अपन कोई भी फसल का कोई भी रोग होगा उसमें ये छिड़काव कर सकते हैं, और ये आपको देखने को भी मिलेगी हर एक जगह, मिथाइल डेमेटोन, मेलाथियान, इनकी छिड़काव अपन कर सकते हैं, आपको हर जगह लगभग हर रोग में देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए, रोपण से पहले पौधों की जड़ों को टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबोकर रोपाई करनी चाहिए। जो पौधे अपन रोपते हैं उनकी जड़ों को देखे टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबोकर रोपाई करनी चाहिए। आप कहोगे सर रोपते कैसे, हम तो सर बीज बोते हैं, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा नर्सरी, जहाँ पर बीजों से पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। जब वो पौधे लगभग एक महीने के आसपास के हो जाते हैं, उनकी जड़ें निकल जाती हैं, तब उनको उखाड़ कर वहाँ से कहाँ ले जाया जाता है, खेत के अंदर ले जाया जाता है और रोपा जाता है। तो ऐसे जब रोपाई की जाती है तो इनको रोपने से पहले, अब ये पौधे हैं, बीज नहीं है, यहाँ से पूरे पौधे ही ले जाकर कहाँ, खेत में स्थापित किए जाते हैं। तो जब इनको रोपा जाता है तो रोपाई करने से पहले इनकी जड़ों को क्या करें, टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबोकर रोपाई करनी चाहिए। टेट्रासाइक्लिन का जो घोल होता है उसमें डुबोना चाहिए, यानी जड़ों को, जो संक्रमित जड़ें हों उनको नष्ट हो जाए, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबोकर अपना रोपना चाहिए। पौधों की 4 से 5 सप्ताह की अवस्था में, जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के बीच हो जाते हैं, यानी 1 से 1.5 महीने के बीच हो जाए, तो टेट्रासाइक्लिन के घोल का छिड़काव कर रोग प्रबंधन किया जा सकता है रोग प्रबंधन। तो ये था हमारा बैंगन का लघुपर्ण रोग। अब देखते हैं अपन अगला हमारा जो है जीरे का मलानी रोग। यह रोग जीरे की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है, जीरे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है। यह रोग मृतोड़ होने के कारण प्रतिवर्ष इसका क्षेत्र खेत में बढ़ता जाता है। मृतोड़ होने के कारण, यानी मृदा पर, ठीक है, मृदा और जल से ऊपर निर्भर रहने वाले के कारण इसका लगातार क्षेत्र बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है, ठीक है। इस साल हमारे मान लो ये खेत है, इस खेत के मान लो इस भाग में है, ठीक है, इस भाग में ये रोग हो रखा है, तो अगले साल ये बढ़ेगा, क्योंकि मृदा पर निर्भर करता है। तो मृदा तो क्या होती है, मृदा से, अब मृदा को तो ये क्या भाई यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है,
तो इसको कंट्रोल करने के लिए ज़मीन के इस हिस्से को काट दें और कहीं बाहर फेंक दें, ऐसा तो कर नहीं सकते अपन, ठीक है। तो ये मृदा के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर फैलता रहता है, ठीक है। राजस्थान में जीरा उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक रूप से पाया जाता है। राजस्थान में जहाँ भी जीरे का उत्पादन होता है वहाँ ये रोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लक्षण देखिए इस रोग के, इस रोग के लक्षण जब पौधे एक माह के लगभग हो, 2.5 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई होते हैं तब दिखाई देने लगते हैं। जब पौधे की बुआई हो जाए और एक माह हो जाए तो एक माह में वो लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर के लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तब इनमें ये रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी लगभग बुआई कर दी हमने बिना उनको देखे हुए, ना चेक किए हुए, तो हमें लक्षण हाथों हाथ दिखाई नहीं देंगे। हमें एक महीने बाद, यानी एक महीने अपन जो बुआई सिंचाई सब कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, और एक महीने बाद हमें दिखाई देगा सब कुछ, इस पर लक्षण दिखाई देंगे। अब इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग के लक्षण पहले निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, यानी जो पौधा होता है, मान लो ये पौधा है, इसकी जो ये निचली पत्तियाँ निकली हुई हैं, ठीक है, ऊपर वाली पत्तियों पर नहीं, नीचे वाली पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई देंगे, ठीक है। तत्पश्चात ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फिर पहले निचली पत्तियों, फिर ऊपर वाली पत्तियों, फिर ऊपर वाली, इस प्रकार से वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। पौधे की पत्तियां मुरझाकर लटक जाती है, जो पत्तियां होती है वो पहले इस प्रकार की होती है, बाद में ये मुरझाकर बिल्कुल लटक जाती है, ठीक है। ऐसा भूरे पत्ते जो होते हैं वो भूरे पड़ने लग जाते हैं, इसकी पत्तियां पत्ते जो भी होते हैं वो भूरे पड़ने लग जाते हैं। पौधों के संवहनी उत्तकों में भूरे रंग की धारियां बन जाती हैं, जो संवहनी उत्तक होते हैं जाइलम फ्लोएम, उनमें भूरे रंग की धारियां बन जाती हैं, धारियां बन जाती है, धारियां दिखाई देने लगती हैं। देखिए पौधे के तने का छिलका उतार कर देखने पर फ्लोएम और जाइलम में उत्तक से रोग दिखाई देता है। पौधे की तने का जब अपन छिलका उतार कर देखते हैं तो जो फ्लोएम और जाइलम पर उत्तक से रोग दिखाई देता है, यानी इनके फ्लोएम और जाइलम के जो उत्तक होते हैं वो मरे हुए दिखाई देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यदि पौधे पुष्पन अवस्था में संक्रमित होते हैं तो बीज नहीं बनते। जब पुष्प बनने की अवस्था होती है तब अगर पौधे संक्रमित हो जाते हैं तो उन पौधों पुष्पों के अंदर बीज ही नहीं बनते, ठीक है। और यदि बनते भी हैं तो पतले होते हैं, छोटे होते हैं, सिकड़े हुए बीज होते हैं, पतले छोटे सिकड़े हुए बीज होते हैं, ठीक है। आगे देखें रोगजनक कौन सा है, तो इसका रोगजनक का नाम देखिए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है। इसके रोगजनक का नाम क्या होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है। रोगजनक का नाम पूछ ले, और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के बाद इसकी प्रजाति कौन सी होती है? क्यूमेनाई, क्यूमेनाई ये रोग फैलाता है। ये रोग एक विकल्पी मृतोपजीवी है, विकल्पी मृतोपजीवी यानी मृत जीव पौधों पर जीवित रहने वाला है, ठीक है। मृत जीवों पर रहता है, जीवित जीवो पेड़ पौधों पर जीवित रहता है, और साथ में विकल्पी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीरे पर ही निर्भर रहे, अन्य जो पौधे के अवशेष होते हैं उन सब पर भी ये निर्भर रह सकता है, कोई दूसरी फसल हो उस पर भी ये निर्भर रहे, ये जीवित रह सकता है अन्य पर, सिर्फ जीरे पर नहीं। ये पौधे के अवशेषों में कवक जाली अवस्थाओं में या क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में जीवित रहते हैं, यानी पौधे के जो अवशेष होते हैं, फसलों के जो अवशेष होते हैं वहाँ पर ये कवक जाल अवस्था में होते हैं, ठीक है। कवक जाल की अवस्था में ये पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में वहां पर सुरक्षित रहते हैं अवशेषों के। अब अवशेषों में जीवित रहते हैं तो इसके प्रबंधन का एक चीज तो आपको पता चल गई, अगर अवशेषों में जीवित रहते तो अवशेषों को नष्ट करना पड़ेगा, तो पहली चीज तो ये प्रबंधन को, इनके अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। जीवित बने रहते हैं तथा अनुकूल अवस्था में गुणन कर पौधे को संक्रमित करते हैं, ठीक है। अवशेषों में जीवित रहते हैं और जब अनुकूल अवस्थाएं वापस आती हैं तो ये पौधे को संक्रमित कर देते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करके क्या करते हैं, पौधों को संक्रमित करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राय सिंचाई के जल वायु अंतरसस्य क्रियाओं द्वारा फैलते हैं। जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो प्राय ये क्या, जल वायु अंतरसस्य क्रियाओं द्वारा फैलते हैं, यानी खेत के अंदर होने वाली क्रियाओं द्वारा भी फैलते हैं, ठीक है। जल सिंचाई के जल के द्वारा, वायु द्वारा ये फैलते हैं। ये रोग देखिए 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तेजी से फैलते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करके इंपोर्टेंट करना इसको, जीरे का जो मलानी रोग होता है उसका जो कीट होता है, ठीक है, या उसका जो रोगजनक होता है,
सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जीरे के मलानी रोग का कीट या रोग जनक के लिए अनुकूलतम तापमान कौन सा है, ये पूछ सकता है। अनुकूलतम तापमान, सवाल कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अनुकूलतम तापमान कौन सा है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि कौन से तापमान में उनकी वृद्धि सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक वृद्धि होती है उनमें, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनके लिए तापमान कौन सा है, कौन से तापमान में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो वो होती है 12.5 डिग्री से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। ये अनुकूलतम ताप है इनके लिए, ये इनके लिए अनुकूलतम तापमान है। प्रबंधन देखिए, प्रबंधन की अगर अपन चर्चा करें, आप देखिए सस्य प्रबंधन कैसे कर सकते हैं अपन इसका। देखिए जीरे की फसल के साथ सरसों एवं बाजरे की फसल को फसल चक्र में अपनाना चाहिए। जीरे की फसल के बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए हमें, सरसों और बाजरे की फसल को अपनाना चाहिए, ठीक है, फसल चक्र में। यानी एक बार अपन ने क्या पिया बोया है, जीरा, प्लस अगली बार इसके बाद वापस जीरा नहीं बोना, उसके बाद हमें क्या बोना चाहिए, या तो सरसों, ठीक है, या फिर बाजरा, ये बोना चाहिए। ये एक चक्र के रूप में होता है, ठीक है। इस चक्र के बाद वापस कौन सा बोदे बोले आप, जीरो, जीरा, फिर से सरसों, उसके बाद फिर से क्या, या तो सरसों या बाजरा, ये बोदे, ठीक है, फिर वापस जीरा बोले। तो ये एक चक्र के रूप में क्या होता है, चलता रहता है लगातार, ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है। तो फसल चक्र के रूप में हमें क्या बोना चाहिए, जीरे के फसल के साथ साथ सरसों एवं बाजरे की फसल चक्र में रखना चाहिए, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जुताई करना, अब ग्रीष्मकालीन गर्मी तेज होती है, अब इनके लिए अनुकूलतम तापमान क्या होता है, 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इतना तापमान हमारे यहाँ पर राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब देखने को मिलता है, ठीक है, तब हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। वरना हमारे यहाँ का नॉर्मल तापमान तो देख के 30 से ऊपर ही होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही होता है, और ये तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो जब गर्मी होती है तो ये तापमान पहुंच जाता है 42 से 45 के बीच। यानी इतनी गर्मी के बाहर निकलें तो हाथ की त्वचा सब जलने लग जाए, इतनी गर्मी होती है। तो ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए, जुताई जिससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर इनके जो रोगजनक होंगे, कीट होंगे, वो सब बाहर आ जाएंगे, और उनके लिए अनुकूलतम तापमान तो 12.5 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारा गर्मियों का तापमान 42 डिग्री 40 डिग्री के आसपास, इतना ज़्यादा तापमान वो सहन नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ग्रीष्मकालीन जुताई करें, फिर जो सूर्य के प्रकाश से खेत को तपाकर, खेत की मिट्टी को तपाकर मलानी रोग के प्राथमिक निवेश द्रव्य को कम किया जा सकता है। प्राथमिक रूप से शैशवावस्था में जो ये रोग फैलता है पौधे के अंदर, उस रोग को अपन कम कर सकते हैं, ठीक है, उस रोग को अपन कम कर सकते हैं। आगे देखिए जैविक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो कौन सी प्रतिरोधी किस्म है, GC4, GC3, RZ223, यानी कौन कौन सी, GC4, GC3 और RZ223, ये कुछ प्रतिरोधी जीरे की किस्म है जो मलानी रोग से, जिनमें मलानी रोग से लड़ने की क्षमता होती है। दूसरा देखें जैविक प्रबंधन, ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुआई से पहले भूमि उपचार करने चाहिए और बुआई के समय बीजों उपचार कर बुआई करने चाहिए। बुआई करने से पहले ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा तो अपन को क्या करना चाहिए, जमीन का उपचार करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बुआई के समय बीजों उपचार कर, बीजों का भी उपचार करके अपन बुआई करनी चाहिए, ऐसे ही बुआई नहीं करनी चाहिए, पहले बीजों का भी अपन को क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। फिर देखिए रासायनिक प्रबंधन में कौन कौन सी दवाएं अपन काम में ले सकते हैं, तो बीजों को देखिए कैप्टान या थायरम या कार्बेंडाजीम या कार्बेंडाजीम प्लस थायरम से बीजों का उपचार करना चाहिए। बीजों को उपचार के लिए कौन कौन सी दवाई काम में लेनी चाहिए हमें, कैप्टान, ठीक है, या थायरम, ठीक है, या फिर कार्बेंडाजीम, कार्बेंडाजीम, ठीक है, या फिर अपन को कार्बेंडाजीम प्लस थायरम दोनों का मिक्सअप,
इनके द्वारा क्या करना चाहिए, एक दो और तीन, इन तीनों के द्वारा अपन को क्या करना चाहिए, बीजों का उपचार करना चाहिए और फिर अपन को बीजों की बुआई करनी चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं अपन नियंत्रण कर सकते हैं किसका, जीरे का, जीरे के मलानी रोग का, जीरे के मलानी रोग का अपन नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, नोवा है जीरे का छाछैया रोग, जीरे का जो छाछैया रोग होता है, ठीक है, जीरे का मलानी रोग देख लिया, अब जीरे का छाछैया रोग भी थोड़ी देर देख ही लेते हैं अपन, क्या होता है इसमें चर्चा करें अपन इसकी। तो जीरे के छाछैया रोग का जो प्रकोप होता है मुख्य रूप से राजस्थान व गुजरात में देखा जाता है, राजस्थान और गुजरात के अंदर इस रोग को देखा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये रोग भारत के जीरा उत्पादन करने वाले सभी क्षेत्रों में, मलाने भी पाया जाता है और ये रोग भी पाया जाता है, सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। लक्षण क्या देखें, इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर सलेटी से धूसर रंग के धब्बों के रूप में, यानी जो निचली पत्तियां होती हैं, पत्ती के निचली सतह पर नहीं कहाँ है, निचली पत्तियों पर कहाँ है, यानी ये पौधा है, पौधे के जो सबसे निचली पत्तियां होती है वहां पर दिखाई देता है, ऊपर वाली पर नहीं, और क्या दिखाई देता है, धूसर रंग के सलेटी धूसर रंग के धब्बे दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, जब अनुकूल अवस्था होती है तो अनुकूल अवस्था में पत्तियों के सतह पर कवक जाल व कोनिडिया बीजाणु सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। अनुकूल अवस्था में देखिए पत्तियों की सतह पर क्या दिखाई देते हैं, कवक जाल दिखाई देते हैं। ठीक है, कवक जाल जब अनुकूल अवस्था आती है तब ये पत्तियों की सतह पर इन पर इनके कवक जाल दिखाई देते हैं और कोनिडिया बीजाणु सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, और पौधे की नवजात पत्तियों पर भी संक्रमण दिखाई देता है, जो पौधे की नई नई पत्तियां उगती है उन पर भी यह संक्रमण दिखाई देने लग जाता है। पुरानी पर तो यह काफ़ी टाइम से मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पर उनका लक्षण दिखेगा, उनका संक्रमण दिखेगा, लेकिन जो नई नई पत्तियां उगती हैं उन पर भी इनका संक्रमण दिखाई देने लग जाता है। देखिए आगे, तना, पुष्प, पुष्पक्रम, फल आदि पर भी कवक जालीय वृद्धि सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती है। इन पर भी क्या होती है, तने पर भी दिखाई देती है हमें इसका लक्षण, पुष्प पर भी, पुष्प क्रम जो होता है इसके दल, बाह्य दल, ठीक है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इन पर, फलों पर भी दिखाई देता है, और किस रूप में, कवक जालीय वृद्धि के रूप में, कवक जाल क्या वृद्धि होती है, कवक जाल बन जाता है इन सब पर, जिससे हमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पौधे पर देखिए नम तथा गर्म मौसम का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, पौधे पर नमी वाला और गर्म मौसम का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। अनुकूल वातावरण होने पर संपूर्ण खेती ऐसा लगता है जैसे कि उस पर सफेद चूर्ण भुरका दिया गया है, ठीक है, भुरका दिया गया है। जब अनुकूल वातावरण होता है ना तो पूरे खेत पर हमें एक सफ़ेद चादर की तरह यह दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि इसके इतने कोनिडिया बीजाणु फैल जाते हैं सफ़ेद चूर्ण के रूप में, कवक जाल इतना फैल जाता है कि पूरी फसल पर ऐसा लगता है जैसे कोई सफ़ेद चादर ओढ़ा दी हो, ठीक है, यानी सफ़ेद चादर ओढ़ा दी हो ऐसा लगता है कि जैसे दवाई के रूप में कोई सफ़ेद चूर्ण भुरका दिए हमने, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है हमें। देखिए, सिंचित अवस्था में देर से बोई जाने वाली फसल इस रोग से अधिक प्रभावित होती है, सिंचित अवस्था में देर से बोई जाने वाली फसल, ठीक है, यानी खेत की हमने सिंचाई कर दी है, नमी दे दी और उसके बाद उस पर समय पर क्या होता है, बुआई नहीं की है, तो वहां पर ये रोग बहुत तेज गति से दिखाई देता है। रोगजनक देखिए एरिसाइफी पॉलीगोनी, एरिसाइफी पॉलीगोनी नामक रोगजनक होता है इसका। ठीक, रोग चक्र देखिए, इसका जो कवक होता है वो सुसुप्त कवक जाल के रूप में पादप अवशेषों पर पाया जाता है, इसका जो कवक होता है वो पादप अवशेषों पर पाया जाता है, और किस में, सुसुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, एवं एक मौसम से दूसरे मौसम तक जीवित बना रहता है, एक मौसम से वो दूसरे मौसम तक जीवित बना रहता है, यानी बीच में जो गर्मी का मौसम होता है उसमें तो ये होता है निष्क्रिय अवस्था, ठीक है, उससे पहले जो सर्दी आती है और फिर आती है गर्मी के बाद बारिश और वापस भी सर्दी, तो बीच का जो ये एक मौसम से दूसरे मौसम में लगातार कंटिन्यू निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है, ठीक है, जीवित बना रहता है, अगली फसल में संक्रमण फैलाता है और फिर अगली फसल में ये संक्रमण फैलाता है वापस अगली फसल। प्रबंधन देखिए, अब संक्रमित पौधे के अवशेषों को नष्ट करके अपन इसका प्रबंधन कर सकते हैं कि भाई नष्ट कर दो उसको, पौधे को, संक्रमण रुक जाएगा, ठीक है। जैविक प्रबंधन देखिए, पौधों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, कौन सी प्रतिरोधी किस्म है, हिसार माधवी, ये जीरे की किस्म है जिसमें कि जो
जीरे की किस्म है जिसमें क्या किस रोग से लड़ने का, जीरे के छाछैया रोग के लड़ने का क्षमता होती है। ठीक है, RME 305 कितने 305 एवं मध्यवर्ती जो प्रतिरोधी किस्म है RCR 435 का प्रयोग किया जाना चाहिए, 435 का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, रासायनिक प्रबंधन देखिए। ठीक है, ये तो कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जिनका जिनको उगा कर जिनमें रोगों से जीरे के जो छाछैया रोग से लड़ने की क्षमता होती है, ये किस्में अगर अपन उगा दे तो जो छाछैया रोग का संक्रमण होने की संभावना होती है वो कम होती है। ठीक है, रासायनिक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, पुष्पन के समय 28 किलो कितने 28 किलो सल्फर धूली प्रति हेक्टर के हिसाब से, सल्फर धूली यानी गंधक मात्रक एस, बहुत जहरीला होता है मनुष्य के लिए भी जहरीला। ठीक है, पुष्पन के समय हमें 28 किलो सल्फर धूली प्रति हेक्टर की दर से दे के जनवरी माह में बुरकाव करने से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। जनवरी माह में जनवरी के समय जीरे की फसल पर अगर बुरकाव करते हैं तो रोग को नियंत्रण कर सकते हैं। किसका, सल्फर का, किसका, सल्फर का। ठीक है, इसका छिड़काव करें तो आगे देखिए, आवश्यकता अनुसार बीज बनते समय अगर 13.5 किलो सल्फर धूली प्रति हेक्टर की दर से बुरकाव करनी चाहिए। जब जरूरी हो तब, आवश्यकता हो कि भाई अभी संक्रमण पर ढंग से पूरा नियंत्रण नहीं हुआ, तो जब बीज बनने वाले होते हैं या जब बीज बनते हैं तब 13.5 किलोग्राम फिर से सल्फर का बुरकाव करना चाहिए प्रति हेक्टर के हिसाब से। ठीक है, फिर देखिए डायनोकैप 0.1% का छिड़काव कर रोग को रोका जा सकता है। ठीक है, डायनोकैप एक दवाई का नाम है। ठीक है, क्या नाम है, डायनोकैप से अपन क्या कर सकते हैं, इसके छिड़काव को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये लेसन कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अपन वापस मिलेंगे और पढ़ेंगे महत्वपूर्ण फलों के रोगों के बारे में और लक्षण एवं नियंत्रण। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 2-3 फल ही हैं जो अपन एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यह लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 3 ही रोग है, एक तो नींबू का कैंकर रोग, ठीक है, दूसरा अमरूद का मलानी रोग और तीसरा बेर का छाछैया रोग। जैसे जीरे का छाछैया वैसे बेर का छाछैया रोग। तो उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा है और पिछले 2 दिनों में और पढ़ा है ये लेसन रबी की फसलों का रोग, वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, थैंक यू।